हमेशा की तरह मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर आज आपके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों का उत्साह हमेशा हमारे उत्साह को बढ़ाता है। देखिए, ईश्वर की दया है कि ये दूसरी वेव कुछ राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में आज कोविड के केसेस बहुत कम हो गए, पर ये बोला जा रहा है कि कोविड की तीसरी वेव आएगी। इस बारे में केवल आशंकाएं हैं, किसी को पक्का नहीं मालूम कि ऐसा होगा, पर यह बिल्कुल सच है कि इस बारे में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो इसी बात को, इसी परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि ये देखा गया कि कोविड वेव, उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ हमने 18 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीन लगाना चालू किया, 60 साल से ऊपर बहुत बड़ा एक धड़ा है जिनको वैक्सीनेट हमने कर दिया है, 45 साल से ऊपर वालों का भी एक बहुत बड़ा समूह है जिनको हमने वैक्सीनेट कर दिया है, और 18 से ऊपर वाले भी अब बहुत जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन हो रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारा भोपाल देश में सबसे पहले नंबर पे था नंबर ऑफ वैक्सीनेशंस पे, एक दिन में मैक्सिमम वैक्सीनेशंस। तो ये चीज़ें जो चल रही हैं, ये आपके उत्साह के कारण है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आपके मध्य एक जागृति फैल रही है। तो इसीलिए पहले, सबसे पहले, आज की बात चालू करने से पहले हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हमारी जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहले स्वयं को वैक्सीनेट कराएं, फिर घर के दूसरे सदस्यों को वैक्सीनेट करवाएं, उसके बाद आप जिस संस्थान में काम करते हैं या अगर आप एक संस्थान चला रहे हैं और आपके पास कर्मचारी हैं, उनको वैक्सीनेट कराइए। घर में काम करने वाले जितने भी सपोर्टर्स हैं, जितने भी आपके सेवक हैं, उनको भी वैक्सीनेशन करवाइए, बच्चों को वैक्सीनेशन करवाइए, और तभी आपकी ये जिम्मेदारी पूरी होगी। और इसके साथ साथ हर बार जब भी मौका मिले, आप एक उदाहरण बनिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का। ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है, ये हम पिछले 2 साल से बात कर रहे हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं हमारे मध्य में इसकी जागृति कम हो जाती है, इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, इसके प्रति हमारा हम थोड़ा दुर्लक्ष करने लगते हैं। क्या बातें हैं? मास्क लगाना है, कभी भी घर के बाहर जाएंगे तो मास्क लगाइए। कोई भी नया इंसान मिले तो उसे आप ऐसा नहीं सोच सकते कि उसे कोविड नहीं हो सकता। आप मास्क लगाइए, दूरी बनाकर रखिए और साफ सफाई करिए। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पहली फुर्सत में हमेशा से करते रहना चाहिए। इसलिए मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि कभी भी आप बाहर निकलें तो ये मानकर चलें कि आप जिससे भी मिल रहे हैं उसे कोविड होने की संभावना हो सकती है। इसीलिए आप हमेशा मास्क लगाएंगे, दूरी बनाकर रखेंगे और जब भी समय मिलेगा साफ सफाई करेंगे। अब बात आती है कि आज का विषय क्या है। दर्शकों, मैंने आज का विषय इसलिए चुना क्योंकि ये कह रहे हैं कि अब 18 से ऊपर तो लगभग हम सभी को वैक्सीन लगवा ही रहे हैं, 18 से नीचे वालों को क्योंकि वैक्सीन नहीं लगा है, अगर वो तीसरा वेव आता है, नए वेरिएंट के साथ आता है, तो संभावना ये है कि अपेक्षाएं, आशंकाएं हैं कि उनको ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी क्या चीजें देखी पिछले 2 साल में जिनमें कोविड ज्यादा हुआ? एक तो मधुमेह के रोगों में कोविड ज्यादा हुआ और कॉम्प्लिकेशंस हुए, दूसरा मोटापे के लोगों में ज्यादा हुआ, जो मोटे थे उनके मध्य ये ज्यादा हुआ। तो हिंदुस्तान का जो दूसरा डायबिटीज है, मैं हमेशा कहता हूँ वो मोटापा है, तो ये मोटापा हमारे बच्चों को भी अछूता नहीं रख रहा है। आज हमारे बच्चे पहले इसकी अपेक्षा ज्यादा मोटे हैं। तो आज का विषय है कोविड के दौरान मोटे बच्चों में हमें क्या करना चाहिए जिससे मोटापा कम हो और उनको भविष्य में कोविड की बीमारी या कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना भी हम कम कर पाए। कोविड से जुड़ा हुआ एक और मसला है, इन्हीं बच्चों में जब ये लड़कियां होती हैं, मोटी होती हैं, गर्दनें काली होने लगती हैं, तो लोग बोलते हैं कि आपको पीसीओडी हो गया क्योंकि माहवारी भी बराबर नहीं आ रही। तो इन दोनों विषयों पे, ये दोनों ज्वलंत विषय थे, मुझे लगा कि थर्ड वेव क्या जो एक डर बन रहा है, तो उसमें मध्य हम कुछ ना कुछ उसका फायदा लेकर कुछ समझदारी की बात कर लें, क्योंकि ये दोनों ही चीजें बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। और आज हमें उसी बहाने, अगर डर के बहाने हमने इसमें मेहनत चालू करी, तो हमारा भविष्य तो बच्चे ही हैं, वो सुधर जाएगा। तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी हमने निभा ली, हमने वैक्सीनेशन कर लिया। अब बात आती है कि कोविड की तीसरी वेव रोकने के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें करना है, उसके बारे में भी हमने बात कर ली। बच्चा हमारा मोटा है ये माँ बाप कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि माँ बाप को तो अपना बच्चा प्राण से भी ज़्यादा प्यारा होता है, और ये तो मेरे साथ भी लागू होता है, मैं भी यही मानूंगा। तो कोई भी अगर हमारे बच्चे को मोटा बोले तो बहुत बुरा लगता है, पर
ऐसा हम क्या करें जिससे हमें पता चले कि सामान्य से ज्यादा हमारा बच्चा हेल्दी है और वो मोटापे की तरफ जा रहा है। तो दर्शकों, 2 साल की उम्र तक तो आप बच्चों के डॉक्टर को दिखाते हैं, नियमित वहां पे वेट हाइट सब होता है। 2 साल के बाद भी आप BMI की जांच करवाइए। आप BMI बहुत ही सरल पैमाना है जो इसमें आपको बच्चे की ऊंचाई सेंटीमीटर्स में नापनी है और बच्चे का वजन जो है किलो में नापना है, या आप घर पे भी कर सकते हैं। और उसके BMI कैलकुलेटर्स और BMI के फॉर्मूला होता है, हाइट इन सेंटीमीटर्स अपॉन वेट इन हाइट, वेट वेट स्क्वायर जो है। तो वो बेसिकली ये जो है बहुत ही सिंपल सा पैमाना है और इसमें बहुत आसानी से BMI कैलकुलेट करके आ सकता है। तो बच्चों का BMI जो आता है उसके हिसाब से आप उसको जो हाइट वेट का चार्ट होता है बच्चों का, आपके पास बच्चों के डॉक्टर के पास जब गए होंगे तो वो हाइट वेट का चार्ट देखते हैं, तो उस चार्ट में इस BMI को आपको लिखना होता है और उससे आपका BMI परसेंटाइल निकलता है। मान लीजिए किसी बच्चे का BMI परसेंटाइल 5% से 85% के अंदर है तो वो हेल्दी बच्चा है, उसमें किसी भी प्रकार की परेशानी की जरूरत नहीं है। मान लीजिए BMI परसेंटाइल 85 से ऊपर है और 95 से कम है, तो ये वो दौर है जब आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। ये बच्चा ओवरवेट हो रहा है, इसका सामान्य से अधिक वजन हो रहा है। और मान लीजिए ये BMI परसेंटाइल 95 परसेंटाइल से ऊपर आ गया तो ये बच्चा ओबेसिटी इसको हो चुकी है, मोटापा हो चुका है। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि जो हमारे BMI परसेंटाइल में भी 120 से ऊपर आने लगता है उनका परसेंटाइल। देखिए, सुपर ओबीस बच्चे, ऐसे भी बच्चे जो पहले देखने नहीं मिलते थे पर आजकल ऐसे केसेस हम लोगों को देखने मिलते हैं। तो ये सुपर ओबीस बच्चे कहीं ना कहीं किसी ना किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं, या कहीं ना कहीं बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके माँ बाप की है। तो कोई जागरूकता भी, अगर कमी है जागरूकता की तो माँ बाप में कमी है। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। तो अब बात आ गई कि हमने मोटापा कैसे पता किया। हमने मोटापा BMI परसेंटाइल निकाल के पता किया और अब हमें सिद्ध हो गया कि हमारा बच्चा मोटा है, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर बच्चा मोटा है तो सबसे पहली बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोटापे के कारण बहुत सारे हैं, आनुवांशिक कारण भी है, कई बार कुछ हार्मोन की बीमारियां भी हैं, बहुत सारी अन्य बीमारियां भी हैं, पर ये बीमारियां इतनी बहुतायत में नहीं हैं। जो सबसे मुख्य कारण जो है मोटापे का, वो है सामाजिक परिवर्तन। तो जो आज सामाजिक परिवर्तन हुआ है, जैसे जहाँ पे हम खेलना कूदना कम हो गया, और पिछले 2 साल से तो आप सभी को मालूम है, बच्चों के साथ ना स्कूल जाना हो रहा है ना घर पे खेलना हो रहा है, बस एक ही चीज़ हो रही है, नाना प्रकार के वो गेम्स खेल रहे हैं, क्या कंप्यूटर में खेल रहे हैं या अपने लैपटॉप में खेल रहे हैं या मोबाइल में खेल रहे हैं, और क्लासेस भी मोबाइल लैपटॉप पे ही हो रही है। और कहीं ना कहीं उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकते, अपने मित्रों से नहीं मिल सकते, स्कूल के सहपाठी नहीं है, तो ये सब परेशानी बहुत बड़ा कारण बन रही है, ये आग में घी की तरह काम कर रही है। तो इसलिए आप देखिएगा, जब भी शोधों के रिजल्ट आएंगे तब आपको ये बताया जाएगा कि पिछले 2 साल में बच्चों में मोटापा काफ़ी बढ़ गया। अब हम मोटापे को लेकर क्यों चिंतित हैं, क्यों तीसरी वेव अगर आती है तो हम मोटापे के लेकर बहुत चिंतित हैं, क्योंकि मोटापे में आपका रेस्पिरेटरी रिजर्व, आपकी सांस लेने की और सांस संभालने की क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसा बच्चों में भी होता है, ऐसा बड़ों में भी होता है। तो बहुत सारी जो सांस से संबंधित बीमारियां हैं, ऐसा नहीं है कि वो बच्चों में नहीं होती। तो कोई भी चीज़ अगर फेफड़े पे असर करेगी तो वो उस बीमारी के दुष्परिणामों को लेकर आएगी। इन बातों को देखते हुए ही हम आज मोटापे के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके बच्चे में मोटापा आपको पता चल गया कि हाँ बच्चा मोटा हो गया, आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि हमें ये देखना चाहिए कि बच्चे को खाना कौन दे रहा है। तो प्रायः जो घर में खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है, अभी लॉकडाउन के दौरान भी पिताजी लोगों का भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन मिला है, बट जो मुख्य जो अन्नदाता है, कायदे से देखा जाए जो भोजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है वो घर की मम्मी ही है। तो सबसे पहले मम्मी को ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा भोजन ऐसा है जिसमें ऊर्जा की मात्रा अधिक है, जिसको हम कैलोरीज कहते हैं, कौन सा ऐसा भोजन है जिसमें ऊर्जा की मात्रा कम है पर पेट भरने की क्षमता ज़्यादा है। तो ऐसे लो कैलोरीज फूड, ऐसे फाइबर वाले फूड जिसमें रेशेदार चीज़ें हों, विटामिन्स हो, मिनरल्स हों पर ऊर्जा कम हो, ऐसे फूड के बारे में हमें आपस में बात करनी चाहिए। और जो आपका कन्वेंशनल फूड है, जो आप परंपरागत तरीके से घर पे बना रहे हैं, प्रायः वो देखा गया है कि
कि वो हमारे पूर्वजों की देन है, वो बिल्कुल हेल्दी होता है। तो सबसे पहले तय हो गया कि खाना कौन दे रहा है, फिर बात आती है कि आपका बच्चा किस प्रकार भोजन करता है। कुछ बच्चों को ऐसा रहता है कि भोजन की मात्रा वो बहुत अधिक करते हैं और बार बार भोजन मांगते हैं और नाना प्रकार की चीज़ें खाते रहते हैं, ऐसे समय में हमें ज़रूर चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि देखिए नखरा तो करना ही है, बचपना है तो नखरा तो रहेगा ही खाने में, हम लोग कहीं ना कहीं बातें नखरे रहेंगे, हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना। खाना खाने के समय जब बैठे हैं तो बच्चे ने भोजन स्वीकार ना करना, और फिर हम बताते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये तो कुछ खाता ही नहीं है। पर ऐसे बच्चे क्या होता है कि शोधों में देखा गया है कि जो बच्चे खाने के वक्त पे खाना नहीं खाते या कम खाना खाते हैं, उनमें ही मोटापा ज़्यादा होता है। क्यों ऐसा होता है कि आपके घर में आजकल कहीं ना कहीं किचन में जाएंगे तो आपको नमकीन मिल जाएगा, बिस्किट मिल जाएगा, मिठाई का डब्बा भी मिल जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, इतने सारे पैक्ड आइटम्स आते नहीं थे, और हम लोग जब बच्चे थे तो दशहरा, दिवाली, ईद, इन उत्सवों के दौरान ही ये सब कुछ मिलता था। पर आजकल बहुतायत में ये चीज़ें उपलब्ध हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका बच्चा ये कितना खाता है। तो ये बोलने से नहीं चलेगा कि खाना खाने के वक्त बच्चा नहीं खाता, तो संस्कार डालना है तो आप बच्चे को नियम से भोजन करने का समय डालिए, समय फिक्स करिए। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब चीज़ें अगर आपने फिक्स करी और वो परिवार के साथ भोजन लेता है तो और भी अच्छी बात है। आप ये देख पाएंगे कि वो कितना भोजन ग्रहण कर रहा है और किस खाने के प्रति उसका कैसी कैसा कितना लगाव है। तो इस तरह से चीज़ों से आप पता कर सकते हैं। कभी कभार कुछ बच्चे बिंज ईटिंग, जो बिंज ईटिंग मतलब अचानक से कोई चीज़ें इतनी पसंद आती है कि खूब सारा खा लेते हैं, वहाँ भी आप माँ बाप का रोल आता है कि वहाँ पे आप उनको नियंत्रित कर सकते हैं। अब बात आती है कि एक्टिविटी, आपका बच्चा दिन भर के कैसे व्यायाम वगैरह क्या कर रहा है। पिछले 2 साल से तो मैं अपने घर में भी कह सकता हूँ कि बच्चे व्यायाम नहीं कर रहे। बच्चों का एक ही काम है कि सुबह उठते हैं, फटाफट वो अपना स्कूल का चालू कर देते हैं, लॉग इन कर लेते हैं, और उसके बाद वो गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं। प्रायः मैक्सिमम बच्चों का यही है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोग वाचन कर लेते हैं, वो भी बहुत कम हो गया है। तो ये जो व्यवहार है ये बहुत ज़रूरी है। तो परिवर्तन कहाँ आना चाहिए, सबसे ज़्यादा परिवर्तन आना चाहिए कि माँ बाप ने उनको घूमने फिरने के लिए ले जाना चाहिए, सुबह वॉक के लिए ले जाना चाहिए या कुछ कसरत करानी चाहिए। और जैसे ही स्कूल चालू हो जाए ये पता करिए कि आपके बच्चों के मित्र कितने हैं, कहीं बच्चे आपस में चिढ़ाते तो नहीं है, लड़ाई झगड़े तो नहीं होते, कहीं बच्चा आपका अकेला तो नहीं रह जाता इसके कारण वो खेल नहीं रहा, व्यायाम नहीं कर रहा, स्कूल में लोगों के साथ नहीं खेल रहा, और घर पे भी आने के बाद व्यायाम होता है कि नहीं होता। हमें अपना बचपन याद है कि ऐसा कोई भी हॉलीडेज नहीं होते थे जहाँ पे हम लोग घर पर रहते थे, हम लोग केवल खेलते रहते थे। और आज तक मुझे अपना व्यक्तिगत याद है कि कभी भी मैंने अपना हॉलीडे होमवर्क पूरा नहीं किया। तो ये चीज़ें बिल्कुल सामाजिक परिवर्तन है। पर आज के बच्चों में एक तो पढ़ाई का बहुत दबाव है, नाना प्रकार की कोचिंग है, नाना प्रकार के ऑनलाइन कोर्सेज हैं, माँ बाप का भी की भी अपेक्षाएं होती हैं वो जो कि ज़्यादा हैं, और इस दबाव में कहीं ना कहीं बच्चा आपका अकेला रह जाता है। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि भाई मेरे जीवन का जो असली मज़ा है वो तो गेम खेलने में ही है, और अगर उसे हॉकी खेलनी है तो वो लैपटॉप में खेलता है, मोबाइल में खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है तो वो मोबाइल में खेलता है। तो ये जो समस्या है ये एक ज्वलंत समस्या बनकर उभर रही है। इसमें जो बच्चों के असली रोल मॉडल्स हैं, जो असली बिजनेस पे बच्चों का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, वो है माँ बाप। तो माँ बाप ने अपने स्वयं को परिवर्तन करना होता है। जब भी मेरे सामने कोई भी इस तरह की समस्या लेकर आता है तो मैं ये कहता हूँ कि पहले स्वीकार करें, दूसरा स्वयं में परिवर्तन करें। भोजन में भी अगर परिवर्तन करना है तो सबसे पहला परिवर्तन परिवार में भोजन में परिवर्तन होना चाहिए। वो चीज़ें जो आप चाहते हैं कि बच्चों ने नहीं खानी है, वो चीज़ें आप जो चाहते हैं बच्चों ने कम करनी है, आपको स्वयं अपने व्यवहार में भी कम करना होगा, अपने खान पान के व्यवहार में कम करना होगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर प्रायः लोग इसको महत्व नहीं देते। उनको लगता है कि बच्चा मोटा हो गया है, हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे और वो दवा देंगे और दुबला हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये सबसे पहले आपका जो है जिस भी प्रकार का परिवर्तन करना है तो स्वयं में परिवर्तन करें, तब बच्चा आपका फॉलो करेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद आती है बात कि कहीं कोई बच्चा कोई किसी प्रकार की दवा भी तो नहीं है। मान लीजिए कुछ बच्चों को बचपन में मिर्गी हो जाती है, कुछ बच्चों को मन मन से संबंधित कोई परेशानी रहती है तो वो न्यूरोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के इलाज में रहते हैं, तो वो दवाइयाँ भी आपको मोटापे की तरफ ले जाती हैं। मिर्गी की ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं जहाँ पे आपको ऐसा पिक्चर बनता है जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, ऐसे बच्चे मोटे होने लगते हैं। तो वहाँ जिम्मेदारी आपके चिकित्सक की भी होती है और आपकी एज ए पेरेंट भी होती है
कि डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ ऐसा करिए कि हमारा काम भी हो जाए और बच्चा कोई अतिरिक्त दूसरी बीमारी चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म से संबंधित बीमारी में ना फंस जाए, उसकी मेटाबॉलिक ब्यूटी का कम हो जाए। तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है कि हम किसी भी प्रकार की अगर दवा ले रहे हैं तो उस दवा का साइड इफ़ेक्ट कहीं आपके बच्चे पे तो नहीं हो रहा। तो ये बातें हमको बिल्कुल पक्के करके देखनी चाहिए, उसके आधार पे ही हमें निर्णय लेना चाहिए। अब बात आती है कि मोटापा तो सिद्ध हो गया, अब हम करें क्या? अब बच्चे को परेशानी हो रही है, अब मोटापे का इलाज हम क्यों करें? सबसे पहले इस क्यों का जवाब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये क्यों का जवाब आपके दिमाग में नहीं आया तो आप इसको बहुत हल्के से लेंगे। आप बोलेंगे खाते फिर पीते घर का बच्चा है, जैसे ही बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा, दुबला हो जाएगा, ऐसा होता भी है, पर ये आज के परिदृश्य में सच नहीं है। मोटा बच्चा मतलब उस बच्चे को प्रौढ़ावस्था आने में या तो जल्दी आ सकती है प्रौढ़ावस्था या तो लेट आ सकती है। तो जल्दी आती है प्रौढ़ावस्था तो हम बोलते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। मान लीजिए एक लड़की को अगर 5 6 साल 7 साल में पीरियड्स आ गए तो साफ सफाई और सामाजिक जिम्मेदारी के लायक अभी मन नहीं तैयार हुआ है, दिमाग नहीं तैयार हुआ है, इतनी बुद्धि नहीं बनी है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही लड़के को अगर जल्दी पीरियड जल्दी प्रौढ़ावस्था आ गई, जल्दी उसके आवाज़ में परिवर्तन आ गया और प्रौढ़ावस्था के जो परिवर्तन होते हैं वो हो गया, तो ऐसा होगा कि ऊंचाई नहीं बढ़ेगी। बच्चा उस समय तो जिस समय ये प्रौढ़ावस्था आएगी तो उस समय तो सबसे ऊंचा रहेगा, पर समय रहते जब दूसरों की प्रौढ़ावस्था आएगी तो उसका कद नाटा हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। मान लीजिए 15 साल हो गया, प्रौढ़ावस्था ही नहीं आई, उसको हम डिलेड प्यूबर्टी कहते हैं। तो डिलेड प्यूबर्टी की भी समस्या बहुत कॉमन है, क्योंकि माँ बाप परेशान हो जाते हैं, 15 साल की लड़की हो गई अभी तक माहवारी नहीं आई, या बेटा 17 18 साल का हो गया अभी तक दाढ़ी मूछ नहीं आई, अभी तक वो बहुत छोटा ही लगता है, बड़ा लगता ही नहीं। तो प्रायः मरीज हमारे पास ऐसे आते हैं, माँ बाप बोलते हैं कि इसकी पर्सनालिटी नहीं बन रही, तो उनको इस चीज़ का बोध नहीं होता कि बच्चे को की प्रौढ़ावस्था मोटापे के कारण लेट हो रही है। तो ये जो है, और मोटापे के कारण आपको क्या क्या हो सकता है? आजकल देखिए क्या होता है कि जब 2001 के आसपास जब हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, तब पहली बार एक टेक्स्ट बुक में लिखकर आया कि अमेरिका में मोटापे बच्चों में मोटापे का दर जो है लगभग 2% है, और डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी उस समय कि बच्चों में 18 साल से कम में टाइप 2 डायबिटीज़ हम एक भी केस नहीं देखते थे। पर आज 20 साल में ये परिवर्तन हुआ है कि मेरे क्लिनिक पे जब भी मैं परामर्श के लिए बैठता हूँ तो रोज़ मेरे पास 5 6 बच्चे इस रेंज के आ जाते हैं जिनकी उम्र 5 साल से 18 साल के अंदर होती है। तो ये जो परिवर्तन आया है क्यों आया है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस परिवर्तन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। ये सामाजिक परिवर्तन की बीमारी हुई है, ऐसा नहीं हुआ कि कोई कीटाणु आ गया कोविड की तरह कि अचानक से ये संक्रमण फैल गया और बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ हो रहा है। ये हमारे जो दृष्टिकोण में अंतर आया है, हमारे जीवन शैली में अंतर आया है, ये उसके दुष्परिणाम है। डायबिटीज़ के अलावा आजकल इन बच्चों में ब्लड प्रेशर की समस्या भी बहुत कॉमन हो गई है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या बहुत कॉमन हो गई है, और नाना प्रकार के ग्रोथ डिसऑर्डर्स, क्योंकि क्या है कि आपकी जो प्रौढ़ावस्था नहीं आई और आप मोटे हो गए हैं तो कई बार हड्डियों में भी बहुत से परिवर्तन बुरे हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चों को ऊंचाई में चलने फिरने में बाकी चीज़ों में नुकसान होता है। खिलते हुए फूल को अगर खिलने से हम रोक पाए तो ये तो खुलने से अगर रोक दिया तो ये बहुत बुरी बात होगी। बीमारी को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो बीमारी क्या है? मोटापा है। स्लीप एपनिया सिंड्रोम, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, कि इसलिए मैं हमेशा नींद के बारे में लिखता रहता हूँ। जो मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हैं उनको मालूम होगा कि नींद के बारे में मैं आए दिन लिखता रहता हूँ, क्योंकि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों में भी ऐसा नहीं होता कि बड़ों में हम हमेशा बोलते हैं कि खर्राटों की बीमारी, पर यह बीमारी बच्चों में भी हो सकती है। जब सांस नहीं समाएगी, रात में सांस रुकेगी, तो बच्चा दिन में भी आपका सोता रहेगा, और इसका असर ब्लड प्रेशर पे, याददाश्त पे, दिमाग पे और बहुत सारे अन्य अंगों पे पड़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत ही भयानक है, इसीलिए हमें जब भी मोटापा हमें पता चले तो उसका सही समय पे इलाज कराना है। इलाज क्या हो सकता है? देखिए लोग आके पूछ लेते हैं, बस उनको लगता है कि फीस दे दी तो ये काम हो गया, पर ये इतना सरल काम नहीं है। डॉक्टर के लिए भी बड़ा कठिन काम है बच्चों में मोटापा देखना, क्योंकि जो दवाइयों की मात्रा है और जो जो दवाइयों के लिए अप्रूवल्स हैं वो बहुत सीमित हैं। तो इनफैक्ट देखा जाए तो दवाइयाँ नहीं, हमें सबसे ज़्यादा जिस पे ध्यान देना पड़ता है वो खाने पीने के अंतर और लाइफस्टाइल चेंजेस में देना पड़ता है।
तो आपके घर में जब भी मोटा बच्चा हो तो स्वयं परिवर्तन करें, स्वयं 5 किलो 10 किलो अपना वजन कम करें। प्रायः जो बच्चा मोटा होता है तो उसकी मम्मी भी मोटी होती है, ये ऐसा मैं आक्षेप नहीं लगा रहा पर ऐसा मैं देख रहा हूँ। तो मम्मी को वजन कम करना चाहिए, पापा को वजन कम करना चाहिए और वही चीज़ें फिर बच्चे से करवानी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे सरल इलाज है, आप सुबह सैर पे निकलिए, जितना तेज़ चल सकते हैं चलिए, धीरे धीरे दूरी और गति दोनों बढ़ाइए। या बच्चों को आप साइकिलिंग के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, आपको उनका उत्साह बढ़ा सकते हैं कि वो रस्सी कूद लें, या योग करें आप स्वयं तो बच्चा भी आपके साथ योग करेगा। तो नाना प्रकार के ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी गतिविधियाँ जिसपे बच्चे बच्चे की रुचि हो वो आप बढ़ा सकते हैं। तो रुचि के अनुरूप, अगर उसको रुचि नहीं होगी तो आप कुछ भी बोलेंगे तो उसे वो बर्डन लगेगा, उसे ऐसा लगेगा कि ये सजा दी जा रही है। तो उसको रुचि, उसके रुचि के अनुरूप उसके लिए इंटरेस्टिंग बनाना, ये जिम्मेदारी माँ बाप की है और ये करना पड़ेगा। अब बात आती है खान पान की, तो जो कि मुख्य, जो मोटापे में कम करने का जो असली योगदान है वो खान पान का है, लगभग 70 से 80%। तो खान पान में कमी करना मतलब अगर आप रोटी प्रमुख खाना है तो रोटियों की मात्रा कम करनी पड़ेगी, सलाद और सूप बनाना पड़ेगा, स्वादिष्ट बच्चे के स्वाद के अनुरूप बनाना पड़ेगा और आपको उसके साथ खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि बेटा तू तो सलाद खा मैं तो मीठा खाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बहुत लोग करते हैं, बहुत लोगों को ये समझ नहीं होती कि ये दवा नहीं है, ये सामाजिक परिवर्तन है। घर में परिवर्तन करेंगे तभी आपका भविष्य सुधरेगा। तो ये जो व्रत है ये बच्चे के साथ माँ बाप को भी लेना पड़ता है। तो अगर आप खाने में ऊर्जा की मात्रा कम करते हैं, तला भुना नमकीन इंदौरी इतलामी से बिस्किट्स, ये सब आपके जो चिप्स हैं, पिज़्ज़ा बर्गर, ये सब चीज़ें शरीर के लिए कभी कभार जबान के लिए बहुत अच्छे हैं। ये जितनी भी चीज़ें जो जबान को अच्छी लगती है प्रायः वो शरीर को बहुत अच्छा नहीं लगता, शरीर बीमार होने लगता है। तो इन चीज़ों को भी आप एक संयम में रखें कि महीने में 2 बार या हफ्ते में 1 बार इन चीज़ों का सेवन करेंगे, बाकी समय हम अपना जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल फूड है, जो पारंपरिक भोजन हम ले रहे हैं, उसी में हम अपने आप को सीमित करेंगे और उसकी मात्रा सीमित करेंगे और सलाद और सूप बढ़ाएंगे। सलाद और सूप के हजारों रेसिपीज हैं, अगर आप देखना चाहें तो आपको नाना प्रकार के सलाद बनाने की विधियाँ इंटरनेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। तो उसका प्रयोग करें और अपने बच्चे के स्वाद के अनुरूप जो केंद्र बिंदु होना चाहिए वो आपका बच्चा ही होना चाहिए, और वो होता भी है। पर खाने पीने के मामले में भी जो हम डिसीजन लें, जो हम निर्णय लें, वो अपने बच्चे के हिसाब से लें और वो परिवर्तन घर में करिए। देखिए घर में एक हम महीने में तेल कितना खर्च हो जाता है, कोशिश करिए जो खाद्य तेल है 2 से 2 लीटर 2.5 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा तली भुनी हुई चीज़ें अपने आप कम हो जाएंगी या तेल और घी की मात्रा आप कम कर देंगे। तो इन चीज़ों से भी बहुत फ़र्क आएगा। फिर खाने की मात्रा कम करें, छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन दीजिए, सलाद और सूप बढ़ाइए और कभी कभार मीठा बनाइए। ऐसा नहीं है कि मीठा नहीं खाना है, पर कभी कभार मीठा बनाइए, रोज़ रोज़ मीठे वाली चीज़ों पे मत जाइए। फिर आप ऐसे फूड देखिए, ऐसे खाद्य पदार्थ देखिए जैसे कचौड़ी है, समोसा है, ये तरह की चीज़ें जो हैं जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को बुरा असर डाल रही हैं। तो बच्चे को अभी तो अच्छा है कि पिछले 2 साल से बच्चे घर पर ही हैं, पर आप स्कूल में भी जाएंगे तो पॉकेट मनी पे ध्यान दीजिए। स्कूल में देखें कि कहीं ऐसा ठेले पे जाके बच्चा कुछ खा तो नहीं रहा, स्कूल की कैंटीन में कुछ इस तरह की चीज़ें तो नहीं मिल रही। प्रायः आजकल स्कूल्स में खाना भी मिलता है, तो इन स्कूल्स के बच्चों को भी मैं देखता हूँ कि खाना जो है उनके डाइटिशियन को बार बार बताना होता है कि हेल्दी खाना दीजिए। बच्चों को पसंद क्या आएगा, तला भुना करारा मसालेदार ये पसंद आएगा, पर आपको ऐसा बनाना है कि ये स्वादिष्ट बातें भी रहें और हेल्थ वाली भी बातें रहें, स्वास्थ्यवर्धक बातें भी रहें। ये भी बहुत जिम्मेदारी है, इसलिए अपने स्कूल में, अगर स्कूल में मेस है तो मेस वालों से आप बीच बीच में टच में रहिए कि भाई क्या क्या दे रहे हो आप, क्या नहीं दे रहे हो। आपका बच्चा मोटा हो गया, हम तो चाहेंगे दूसरे का बच्चा भी मोटा ना हो। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक जिम्मेदारी है जिसके लिए माँ बाप कहीं ना कहीं मेहनत कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये सब चीज़ें हमने कंट्रोल कर ली, अब बच्चे को कसरत कराना भी तो बहुत ज़रूरी है। कसरत में क्या करेंगे, कसरत में कई बार साइकिलिंग स्विमिंग बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं, और जो एक सामान्य तौर पे बच्चा खेलता कूदता है उसको खेलने देना चाहिए और कहीं ना कहीं हमें भी सहभागी बनना चाहिए। दवाइयों का ऑप्शन बहुत लिमिटेड है, कुछ दवाइयाँ हम लोग 15 साल के ऊपर दे पाते हैं, पर प्रायः इन बच्चों को मैं दवाइयाँ देना बहुत ज़्यादा सही नहीं समझता। तो कई बार बहुत सारे विदेशों में स्टडीज़ हैं जहाँ पे ऑपरेशन करके भी ये बच्चे दुबले होते हैं, तो ऐसे केसेस जहाँ सांस रुक रही है
जहाँ सेचुरेशन कम हो रहा है, जहाँ पे बहुत सारी अन्य बीमारियाँ हैं, जहाँ पे मोटापा सुपर ओबिसिटी के लेवल पे चला गया है, और उसके ऊपर कोई आनुवंशिक बीमारी है जैसे लॉरेंस मूनबिडल सिंड्रोम है या कुछ और हार्मोन की बीमारी है, तो उन बच्चों की बात अलग है। तो अगर कोई बीमारी नहीं है और आपका बच्चा मोटा है तो एक अच्छे विशेषज्ञ की सलाह में रहें और इन बच्चों को सही मार्गदर्शन दें, क्योंकि अगर जो बच्चे आपके मोटे हैं आप सही उम्र पे उसका परिवर्तन करेंगे तो आगे चलकर उन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। सबसे बड़ी बीमारी है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, आगे चल के हार्ट डिजीज़। तो इसलिए माँ बाप को बिल्कुल सचेत होकर ये काम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी करने की आवश्यकता नहीं है। जो आप मोटे मोटे तौर पे देखेंगे, मोटे मोटे तौर पे भी परिवर्तन करेंगे तो घर में खुशियाँ आ जाएंगी। अब ऐसे ही जब मोटे बच्चे लड़कियाँ होती हैं तो डॉक्टर उनको देखते हैं, क्योंकि उनको 12 साल 13 साल की उम्र है, पीरियड्स माँ बाप लेके जाते हैं कि इसको महीना तो आ गया 12 साल की उम्र में, पर बराबर नहीं आ रहा है, 6-6 महीने में आता है, कुछ लड़कियों को साल साल भर में पीरियड आते हैं, और अभी प्रौढ़ावस्था के बाद बहुत चेहरे पे मुहासे बन गए हैं और ये मुहासे बहुत ख़राब लग रहे हैं, हमारी बच्ची अच्छी नहीं लग रही, इसकी गर्दन काली होने लगी है और वजन तो बढ़ ही रहा है, और उसके साथ साथ नाना प्रकार की अन्य समस्याएं भी आ गई हैं, व्यवहार में भी अंतर आ गया है, क्योंकि लोगों के पास ये खुलकर मिलने नहीं जाती, क्योंकि लोग मोटा मोटा करके कुछ लोग चढ़ा देते हैं। तो ये क्या है, इसको लोग बोल देते हैं पीसीओडी की बीमारी है। तो पीसीओडी भी एक तरह का अगर तारतम्य देखा जाए तो मोटापे का ही कॉन्टिन्यूशन है लड़कियों में। तो पीसीओडी, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं, ये एक डायग्नोसिस है जब हम अन्य कारण जिसमें चेहरे पे काले बाल, मोटापा, महीना ना आना और ओवरी में सिस्ट बन जाना, वो सारे कारण हम दूर करते हैं, जो कि कुछ हार्मोन की बीमारियां होती हैं, कुछ जटिल अन्य बीमारियां होती हैं, कुछ ट्यूमर्स होते हैं, उसके बाद डॉक्टर्स लेबल करते हैं कि ये पीसीओडी है। तो ये पीसीओडी ऐसी क्या बला है जिससे हर दूसरी तीसरी लड़की को आजकल ये बोला जाता है, सर हमारी लड़की को तो पीसीओडी है। देखिए, पीसीओडी का जो मूल है ये आपको समझ में आना चाहिए, कि बहुत सारी हम जेनेटिक बातें कर लें, आनुवंशिक बातें कर लें, रोग वाली बात कर लें, तो मैंने आपको बताया पीसीओडी का डायग्नोसिस सबको हटाने के बाद ही बनाया जाता है। तो इसके केंद्र बिंदु में, पीसीओडी में आपका मोटापा है, जिसकी हमने इसलिए मैंने शुरुआत मोटापे से करी, अब मैं पीसीओडी पे आ रहा हूँ। तो जो मुख्य इलाज है वो खान पान में परिवर्तन, वजन कम करना। पीसीओडी वाली लड़की अगर 5 से 10 परसेंटाइल भी वजन कम करती है तो उसके पीरियड्स रेगुलर होने लगते हैं। अब बात आती है कि साहब चेहरे पे तो बाल आ रहे हैं, तो चेहरे पे बाल आना एक क्या स्वाभाविक प्रक्रिया है? देखिए, समाज में एक मापदंड बना लिया है कि महिलाओं के चेहरे पे काले बाल नहीं हो सकते, बुरे लगते हैं, क्योंकि हमारी सोच है, हमारे महिलाओं के बारे में हमारा एक परसेप्शन है और उस पे हम समाज चलता है। तो देखिए, जो काले बाल आते हैं वो अगर सेक्स डिपेंडेंट एरियाज में आए, जैसे ये अपर लिप, जैसे ये चिन या छाती में आए, तो ये डेफिनेटली हार्मोन के कारण, हार्मोन की अधिकता के कारण पीसीओडी में हो सकते हैं, जिसको हम हिर्सुटिज्म कहते हैं। उसके पैमाने हैं, डॉक्टर आपको देखेंगे, उसके पैमाने आपकी उम्र के हिसाब से, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, आपकी रेशियल डिफरेंसेस के हिसाब से वो तय किया जाता है। उसके बहुत सारे पैमाने हैं और उसमें बहुत क्लियर डायग्नोसिस बनता है। तो बात आती है, कुछ लड़कियां आती हैं हमारे पास कि सर हमारे यहाँ पर बाल बढ़ रहे हैं, तो ये जो आपकी यहाँ पे जो नाल रहती है ये वाला जो पोर्शन है कुछ लोगों का नीचे तक एक्सटेंड करता है, कुछ लोग बोलते हैं हमारे कंधे पे बाल आ रहे हैं, पीठ पे बाल आ रहे हैं, ये हार्मोन डिपेंडेंट एरियाज नहीं है। तो ये जो समस्या होती है इसको कहते हैं हाइपर ट्राइकोसिस। तो हाइपर ट्राइकोसिस को हिर्सुटिज्म से अलग करना चाहिए। हिर्सुटिज्म की बीमारी अगर होती है तो वो हार्मोन डिपेंडेंट एरियाज में अगर हो रही है तो हम हार्मोन के डॉक्टर्स में मदद कर सकते हैं, पर हाइपर ट्राइकोसिस होता है तो केवल उसको कॉस्मेटिकली हटाना पड़ता है, उसके लिए और कुछ करने की विधि नहीं होती। तो एक ये बात आ गई बालों की। अब बोलें कि अब भाई मुहांसे तो जवान होते हुए लड़कियों में सभी को आते हैं, फिर तो डॉक्टर साहब आप मुहांसे को हम कैसे पता करें कि ये मुहांसे बड़े हैं और परेशान कर रहे हैं? देखिए, ज़्यादा नंबर में अगर 10 से ज़्यादा मुहांसे हों, उसके साथ चेहरे पे काले बाल आ रहे हों, बच्चा मोटा हो, गर्दन काली हो गई हो, चमड़ी में स्किन टैग्स दिख रहे हैं, मसे दिख रहे हैं, और ऐसे मुहासे हो रहे हैं जो कि पक भी रहे हैं, पस भी आ रहा है
और काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं, चेहरे पे बुरा लग रहा है, तब हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि कहीं ये हार्मोन के कारण तो नहीं है। तो PCOD में आपके बाल आ सकते हैं, चेहरे पे मुहासे आ सकते हैं, महावारी आपकी। अब मैंने बताया कि देखिए क्या होता है कि जब बच्चे जिनको मेनार्के होता है, जो महावारी की शुरुआत होती है, तो शुरू के 2-3 साल तक सभी लड़कियों को पीरियड हर महीने टाइम टू टाइम आएगा, ऐसा नहीं होता। तो कई बच्चों में पीरियड 2 महीने में आता है, 3 महीने में आता है, तो माँ बाप को चिंता होने लगती है। तो डॉक्टर बताते हैं नहीं, ये तो सामान्य बात है, 16, 17, 18 साल तक सब रेगुलर हो जाएगा। तो प्रश्न ये उठता है कि अब हमें कैसे पता चले कि ये सामान्य प्रक्रिया है जहाँ पे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, कि ये PCOD के कारण हो रहा है। तो हमें सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा, बालों पे भी ध्यान देना होगा, मोटापे पे भी ध्यान देना होगा, गर्दन पे कालापन जिसको अपन एक्थेंटोसिस कहते हैं, स्किन टैग्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे, तब हम जरूर इस तरफ सोच सकते हैं कि ये जो है पीरियड्स का रेगुलर ना होना कई बीमारी के कारण तो नहीं है। अब बात आती है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई तो PCOD में हमें इलाज क्या करना है। तो PCOD का इलाज बहुत बहुत क्या होता है कि बड़े बड़े फोरम्स में बात होती है, डॉक्टर्स भी जितने बड़े रहते हैं तो बड़ी बातें ही करते हैं, तो वहाँ जमीनी बातें कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं, जमीनी बातें अब दर्शक सुनना भी नहीं चाहते। देखिए आज मैं वीडियो में बोल रहा हूँ तो आप बोलेंगे डॉक्टर साहब आपने क्या बताया, तो मैंने आपको मुख्य तौर पर वही बताया जो आपको पहले से मालूम था। वजन कम करना होगा, खाना पीना कम करना होगा, और जैसे हमने मोटापे वाले बच्चों के बारे में बात किया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी करनी होगी। इसके बाद आपके बाल काले ना हों, इसके लिए डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ देते हैं, उन दवाइयों से ये अपेक्षा करें कि बाल नए बाल काले नहीं होंगे। जो बाल काले हो चुके हैं वो वैक्सिंग, थ्रेडिंग, शेविंग या लेज़र से हटा देते हैं, तो समय आने पे उसके साधन उपलब्ध हैं, वो आप कर लेते हैं, तो बच्चा कम से कम अकेला नहीं होता, लोगों से कटता नहीं है, उसमें हीन भावना नहीं आती, और वो कॉन्फिडेंटली एक विश्वास के साथ समाज में जीता है। तो ये चीज़ें आपको करना है। बहुत सी बातें आती हैं कि भाई PCOD की बीमारी हो गई तो क्या ये जीवन पर्यंत रहेगी। देखिए ये शरीर का व्यवहार है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो आपको एक तय मात्रा में आपको ईश्वर ने दिया है, उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट है, तो उसके शरीर की आग कम ज़्यादा आप नहीं कर सकते, पर आप अपने प्रयास बढ़ा सकते हैं। आप अपने प्रयासों को ऐसा करिए कि खान पान बहुत नियंत्रित रहे, दौड़ते भागते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, हमेशा दुबला पतला बना रहें। BMI आपका, एक यंग लड़की का BMI कोशिश करिए 21-22 से ज़्यादा ना हो। तो ये चीज़ें हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, ये एक ऐसे पैमाने हैं जहाँ पे खुशियाँ छिपी हुई हैं, तो ये करेंगे तो कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। बहुत से लोगों को नाना प्रकार के प्रश्न रहते हैं कि अब तो ये PCOD हो गया, भविष्य की अन्य परेशानी होगी, प्रेगनेंसी में, शादी में परेशानी होगी, प्रेगनेंसी में परेशानी होगी। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि PCOD वालों को इस तरह की कोई भी लेश मात्र भी परेशानी नहीं होती। बांझपन का एक कारण जरूर माना जाता है, पर ये बांझपन का एक ऐसा कारण है जो कि जिसका इलाज सबसे ज़्यादा संभव है। तो इसका जो धवल पक्ष ये है कि ऐसा कुछ कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, जहाँ हम परिवर्तन करेंगे, इसके साथ रहना सीखेंगे, वजन कम करेंगे, खाना बहुत नियंत्रित करेंगे, तो सही दिशा में इलाज होगा, तो PCOD में कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, पर जो परिवर्तन करेंगे वो एक संस्कार के तौर पे जीवन के अंत तक चलने चाहिए। परिवर्तन क्या है? कोई बहुत बड़े बड़े परिवर्तन नहीं है, संयम से भोजन और नियमित व्यायाम, तो ये चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको इस बीमारी से लड़ने में मदद करेगी। क्यों PCOD का इलाज करेंगे? एक तो हम भविष्य में बच्चे का सब कुछ परिवार देखना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा देखना चाहते हैं। दूसरा, इन PCOD के मरीजों में भविष्य में डायबिटीज़ होने की संभावना, ब्लड प्रेशर की संभावना, हृदय रोग की संभावना और मोटापे से संबंधित अन्य बीमारियों की संभावना बहुत बढ़ जाती है। कई प्रकार के कैंसर के भी देखा गया है कि मोटे लोगों में कुछ प्रकार के कैंसर ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम आज परिवर्तन करें, कल की राह ना देखें, तो ये करें। और ज़्यादा बच्चों में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि नुक्ताचीनी करते हैं, डॉक्टर के पास भी आते हैं तो उनका पूरा ध्यान टेस्ट में होता है कि हमने ये टेस्ट करा लिया, हमें ये टेस्ट करा लिया, हमें ये टेस्ट करा लिया, पर टेस्ट से इसका समाधान नहीं निकलेगा। टेस्ट आपके डॉक्टर को अपनी आवश्यकता के अनुरूप लिखने दीजिए, वो ज़रूरी भी है, पर आपके लिए टेस्ट नहीं है, आपके लिए तो आपके कर्तव्य हैं जिसको आप तय करें, और वो कर्तव्य आप नियमित करते रहें तभी आपको बहुत लाभ होगा। अब बात आती है कि कुछ लोग अब PCOD के इसमें और कुछ इलाज या दवाइयाँ, हम लोग ऐसी कोई बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं देते,
प्रायः हम मोटापे का इलाज करते हैं और कई अन्य प्रकार की दवाइयाँ आजकल समय के हिसाब से मोटापे के लिए आ रही हैं, तो वो पीसीओडी में भी जाएंगी। माहवारी के बारे में नाना प्रकार के विचार होते हैं कि सब माहवारी हमारी दिन के बारे में माँ बाप को चिंता होती है कि कम दिन आ रही है। कुछ लोग बोलते हैं माहवारी लंबी आ रही है, कुछ लोग ये कहते हैं कि माहवारी 3-4 महीने में आ रही है। तो माहवारी से महिलाएँ अपने आप को जोड़ लेते हैं स्वास्थ्य को, ठीक है, एक स्वास्थ्य का पैमाना है। पर ऐसा नहीं है, जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसको अभी बच्चे नहीं करने हैं, वहाँ बड़ी साल में 6 बार भी आती है तो भी आपके स्वास्थ्य के लिए, साफ सफाई के लिए बहुत है। तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। और जब भी आपको भविष्य में लगता है कि हमें इसकी परेशानी है, तो बहुत नाना प्रकार के डॉक्टर्स हैं और उनकी मदद सही दिशा में लेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब बात आती है प्रश्नों की। जैसे ही हमारे प्रोग्राम ख़त्म होने लगता है तो हम प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों में मोटापे के मुख्य कारण क्या है? बच्चों में मोटापे का मुख्य कारण है माँ बाप की शिथिलता। माँ बाप कसरत नहीं कर रहे हैं, माँ बाप को समझ नहीं है खान पान की, और कहीं ना कहीं अपने वो बिजी लाइफ स्टाइल में या तो बहुत व्यस्त हैं जिससे बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो माँ बाप की जागरूकता और माँ बाप के द्वारा अपने बच्चों को दिया हुआ समय ही आपके बच्चे का भविष्य बनाता है, ये निर्विवाद सत्य है। और यही मुख्य इलाज है बच्चों में मोटापे का। कभी कभार कुछ रेयर कारण होते हैं कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा खाना खाने लगा, सुपर ओबीज हो गया, या उसकी सांस ढंग से नहीं चल रही, प्रौढ़ावस्था लेट आ रही है, तब हम हार्मोनल कारणों को भी देखते हैं। पर प्रायः ये करोड़ों में कुछ ही होते हैं, बाकी सबको जो समस्या है वो सामाजिक परिवर्तन की है। माँ बाप को समय निकालना होगा, बच्चों के साथ मेहनत करनी होगी। आनुवंशिक बीमारी में मोटापे में बहुत रेयरली कुछ बीमारियां होती हैं, उसके लिए हम लोग देखते हैं। जब भी हमें बच्चा आता है तो हमें ये समझ में आ जाता है आपको क्या करना है, कि क्या हमें हार्मोन की बड़ी बीमारी है बच्चे को। अगर बच्चा मोटा है और ऊंचा होता जा रहा है तो मान के चलें कि उसको कोई बीमारी नहीं है, या आपको केवल खाने पीने का अंतर करना है और वजन कम करना है, क्योंकि प्रायः मोटे बच्चे अपने दूसरे हम उम्र बच्चों से ऊंचे होते हैं। पर अगर बच्चा मोटा है पर ऊंचा नहीं हो रहा, दूसरे बच्चों से छोटा हो रहा है, तब हार्मोन के डॉक्टर के पास तुरंत लेके जाइए, क्योंकि उन्होंने बाकी जटिलताएं देखनी होंगी। कुछ हार्मोन की बीमारी होती है जैसे कुशिंग सिंड्रोम, थायराइड की बीमारी, हाइपोथायराइडिज्म या कुछ अन्य बीमारियां हैं जहां ऐसा हो सकता है। तो मैंने आपको एक बहुत ही सरल तरीका बताया कि कैसे आप अपने बच्चे को ये देख सकते हैं कि केवल मोटापा है, कि मोटापा किसी बड़ी बीमारी के कारण है। पर वह जो फाइनल निर्णय है, जो मुख्य निर्णय है, वो आपके डॉक्टर ने ही लेना है। तो बच्चों में मोटापा और विकास किस प्रकार का संबंध है? तो वो जवाब इसी उत्तर से आ गया कि जो प्रायः बच्चे मोटे होते हैं, शुरू में उनकी ऊंचाई दूसरे बच्चों से ज़्यादा होती है। पर मोटे में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ऊंचाई नहीं बढ़ती, वो छोटे रह जाते हैं, वहाँ तो हमें जल्दी ही डॉक्टर को दिखाना होगा, क्योंकि वहाँ कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। बच्चों और बड़ों के डाइट प्लान में किस प्रकार का अंतर होता है? देखिए, डाइट प्लान बहुत फैंसी चीज़ हो गई। लोग बोलते हैं कि हमने साहब डाइट लिखवा ली, अब तो हमारे सारी समस्या दूर हो जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है। डाइट प्लान आप कोई भी कर लें, आपको मुख्य तौर पे एक ही केंद्र बिंदु बनाना चाहिए कि ऊर्जा की समझ होनी चाहिए कि किस खाने में कितनी कैलोरी है। एक रोटी में 80 किलो कैलोरीज के हिसाब से ताकत मिलती है, वही एक लड्डू में 300-400 कैलोरीज मिल जाती हैं। फिर आप मुझे बोलो कि डॉक्टर साहब मैं एक ही रोटी खाती हूँ या एक ही रोटी खाता हूँ, और दिन में पता चला आप 2 लड्डू खा लें, तो वो कितनी रोटियों के बराबर हो जाएगा? तो इस प्रकार का विश्लेषण करना हमें आना चाहिए। और इस प्रकार का हम विश्लेषण करेंगे तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो हमारे कन्वेंशनल, जो हमारे पारंपरिक भोजन है, उसको हम सीमित मात्रा में लें और पेट सलाद और सूप से भरें। जिससे भरपूर मात्रा में सलाद और सूप खाएंगे तो तरह तरह के मिनरल, विटामिन सब मिलेगा आपको, फाइबर मिलेगा और वजन कम रहेगा। तो बच्चों के भोजन में मुख्य घटक कौन से होने चाहिए? बच्चों के भोजन में मुख्य घटक की बात नहीं, किसी के भी भोजन में मुख्य घटक ये होने चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी मात्रा हम 50-60, जैसे डायबिटीज में बोलते हैं ना, डायबिटिक डाइट एक हेल्दी डाइट होती है। वो ऐसी डाइट नहीं है कि वो अगर कोई दूसरा आदमी लेगा तो वो बीमार हो जाएगा, नहीं, उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 50-60% करें, जो कि हिंदुस्तान में 80 से 90% है। प्रोटीन की मात्रा हमारे यहाँ कम है तो हम बढ़ाएं, वो कम करने की, प्रोटीन का अपर लिमिट 20% होना चाहिए। 50% कार्बोहाइड्रेट हो गया, 20% प्रोटीन हो गया। अब बात आती है फैट की। तो ये 25 से 30% जो फैट रहेगा, उसमें भी कोशिश करें कि जो ऐसा फैट है, जैसा आपका फैट कैसा है, ये जो एकदम सेचूरेटेड फैट है,
जो कि हम एक समय वनस्पति घी का प्रयोग करते थे, अभी बहुत अच्छी बात है कि वनस्पति घी बहुत पीछे चला गया। तो वनस्पति घी, पाम ऑयल टाइप का फैट कम लें, आपका शुद्ध देसी घी वाला फैट थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ये 7-8% कर सकते हैं। तो घी, देसी घी के बारे में आजकल सब अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं। कुछ प्रकार का फैट होता है जो फिशेस में, ऑयल्स में, फिश ऑयल में मिलता है, वो असेंशियल फैटी एसिड होता है, वो आपके लिए अच्छा है। तो इस प्रकार का मिश्रण करें। और फाइबर, आप फाइबर कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर आप भोजन में साबुत अनाज लेंगे तो फाइबर बढ़ेगा। अगर गेहूं का प्रयोग ऐसा कर रहे हैं, उसको या तो मैदा करके कर रहे हैं, तो वो आपको बीमारी करेगा, क्योंकि मैदे का शक्कर बनाने की ताकत और उसको बढ़ाने की ताकत ज़्यादा है। वहीं अगर आप पूरा साबुत गेहूं लेते हैं और उससे संबंधित कोई व्यंजन बनाते हैं, तो वो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है। तो इस तरह के परिवर्तन करेंगे तो बहुत अच्छा परिवर्तन आ जाएगा। क्या बचपन में मोटापा दिमागी विकास में बाधक हो सकता है? मोटे तौर पे मोटापे का दिमागी विकास से कोई संबंध नहीं है, पर बचपन में दिमागी विकास में ये हो सकता है कि व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। लोग अगर आपको टीज करें, चढ़ाएं, तो बच्चा दोस्तों से दोस्ती नहीं करेगा, अलग रहेगा, अकेला रहेगा, गुमसुम रहेगा, मायूस रहेगा। तो वहाँ जरूर उसके विकास में और व्यक्तित्व में जो चमक आनी चाहिए वो नहीं आएगी। तो ये ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए हमें इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब एक ये प्रश्न आ रहा है कि पीसीओडी और पीसीओएस दो अलग अलग, तो ये देखिए समय के हिसाब से ये प्रयोग करते हैं, दोनों ही एक ही शब्द है, दोनों के युग्म शब्द हैं, दोनों का उत्तर एक ही है। पीसीओडी की ऐसी बीमारी है जिसमें तीन चीज़ें होती हैं, चेहरे पे बाल आते हैं, वो भी इन एरियाज में आते हैं, महीना बराबर नहीं आता, और उसके साथ साथ हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन है उसकी अधिकता, जिनको हम एंड्रोजेंस कहते हैं, उनकी अधिकता मिल जाती है। और अगर सोनोग्राफी करते हैं तो कभी कभार ओवरीज में सिस्ट मिलते हैं। पर ओवरी में सिस्ट मिलना, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि प्रायः बहुत मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब बच्चे की सोनोग्राफी हुई और ओवरी में सिस्ट बता दी, डॉक्टर ने बोल दिया इनको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज है, ये गलत है। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज के लिए आपके डॉक्टर ने पूरी डिटेल में विवेचना करनी चाहिए, कि उनको देखना चाहिए कि बाल ज़्यादा हैं, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, ओवरी में सिस्ट है और हार्मोन बढ़ा हुआ है, तब पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज बोलें तो अच्छा रहता है। नहीं तो एक बीमारी, कायदे से सिस्ट आपने ओवरी में बताया, पर दिमागी सिस्ट अगर तैयार हो जाते हैं तो फिर ज़िंदगी भर के लिए परेशानी हो जाती है। तो वो एक तरह का एग्जाइटी, उस तरह का जो जिस प्रकार के लोग चिंतित होकर हमारे पास आते हैं, और जब हम बोलते हैं कि कुछ नहीं है तो पहली बार तो वो विश्वास ही नहीं करते। तो इस तरह की चीज़ों में दोनों तरफ से थोड़ा संयम बरतते हुए हमें डायग्नोसिस देना चाहिए, और जब भी सही डायग्नोसिस बनेगा तो बिल्कुल सही तरीके से इलाज होगा। क्या प्रेगनेंसी और पीसीओडी में कोई परेशानी है? कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चे के इनकी जल्दी शादी कर दीजिएगा, पीसीओडी है, बच्चे होने में प्रॉब्लम होगी। तो मैंने कहा बांझपन का एक कारण जरूर है पीसीओडी, पर ये ऐसा कारण है जिसका फ़ायदा तुरंत मिलता है। जैसे ही आप इलाज चालू करते हो, जैसे ही आप 10% वजन कम करते हो, अच्छी लाइफस्टाइल में आते हो, तो कई बार डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ता, और कई बार डॉक्टर की मदद भी लेते हैं तो फटाफट ऐसे पेशेंट्स में बच्चे हो जाते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अपने कर्मों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या पीसीओडी को बिना दवाइयों के ठीक किया जा सकता है? तो मैंने कहा ना, पीसीओडी की जो भी कोई भी सिद्ध दवा एक भी मार्केट में नहीं है। जितनी भी दवाइयाँ हैं वो ये कहते हैं कि थोड़ी मदद हो जाती है। तो प्रायः मेरे इलाज में जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनको यही कहता हूँ, आपको पीसीओडी जैसा पिक्चर है, सबसे पहले मेहनत करिए, खान पान में अंतर लाइए, वजन कम करिए, बालों में के लिए मैं कुछ दवाइयाँ देता हूँ जिससे नए बाल काले नहीं होते, जो पुराने बाल हो चुके होते हैं वो हटाने बोलते हैं, बहुत सारी विधियाँ हैं, लेज़र भी एक अच्छी विधि है। उसके बाद अगर कभी किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो हमें उनके स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास, जब यंग एज में जब वो शादी हो जाती है, बच्चा चाहते हैं, कभी कभार कुछ केसेस में ज़रूरत पड़ती है। बाकी सब केस में अगर वो हमारी बात मान लेते हैं तो उनकी दवा भोजन की कमी और वजन कम करना ही मुख्य दवा होती है। तो क्या कोई खास प्रकार का व्यायाम? देखिए व्यायाम तो कोई भी इंसान हो उसको एक ही प्रकार का व्यायाम होना चाहिए जिससे सबसे पहले दिल की धड़कन बढ़े, जिसको हम कार्डियो एक्सरसाइज कहते हैं। तो कार्डियो एक्सरसाइज क्या है? अगर आप दौड़ के आते हैं वो कार्डियो एक्सरसाइज है, अगर आप बहुत तेज पैदल चलते हैं वो भी एक कार्डियो एक्सरसाइज है, अगर आप योग करते हैं और दिल की धड़कन बढ़ती है तो वो भी एक तरह की कार्डियो एक्सरसाइज है। तो कार्डियो एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, आप स्विमिंग करेंगे तो भी दिल की धड़कन बढ़ेगी, तो एक तरह का वो भी कार्डियो एक्सरसाइज है। पर व्यायाम के प्रकार चेंज हो जाते हैं, कुछ लोग जुम्बा करते हैं, कुछ लोग एरोबिक्स करते हैं, कुछ लोगों को नृत्य पसंद है तो वो भी एक तरह का कार्डियो एक्सरसाइज है। तो इसमें किसी भी प्रकार का स्टेटस सिंबल कैरी नहीं करना है, इसमें किसी भी प्रकार की जो आपको अच्छा लगता है
वही करना है। अगर आप खेलते हैं प्रायः जो हॉकी वगैरह खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, तो उनकी कार्डियो एक्सरसाइज बड़ी परफेक्ट होती है। क्रिकेट में फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्रिकेट खेलने से पहले आप इस तरह की कसरत करें, पहले ग्राउंड के 3-4 चक्कर लगाएं फिर मैच खेलें। क्योंकि क्या होता है उसमें बंदा एक ही जगह खड़ा रहता है, या जो बैटिंग कर रहा है उसी को मौके मिलते हैं, बाकी सब को तो एक ही जगह खड़े रहना पड़ता है। तो वो व्यायाम जो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आपको क्रिकेट खेलने से पहले दौड़ लगा लेनी चाहिए, फिर खेलना चाहिए, फिर आप किसी भी पोजीशन में खेलें आपको स्वास्थ्यवर्धक ही होगा। तो पीसीओडी के कौन से डॉक्टर होते हैं जिनको पीसीओडी के लिए दिखाना चाहिए? देखिए, पीसीओडी के लिए हार्मोन रोग विशेषज्ञ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपको बहुत सही निर्णय देंगे। आगे चल के जब परेशानी आती है, माहवारी से संबंधित परेशानी आती है, कुछ लोगों को कुछ इमरजेंसी आ जाए कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या फिर प्रौढ़ावस्था भी हो गई, आप यंग हो गए, एडल्ट हो गए, आपकी शादी हो गई, अब बच्चा नहीं रुक रहा, तो ऐसी अवस्था में आपको बांझपन रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। तो उनकी भी मदद, तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और आपकी एक गायनेकोलॉजिस्ट दोनों मिलकर आपकी मदद करेंगे और बढ़िया हो जाएगा। कुछ लोगों को जिनको बाल आते हैं उनको स्किन के डॉक्टर के पास हम लोग भेजते हैं, तो क्योंकि जो कॉस्मेटिक इलाज है वो स्किन के डॉक्टर करते हैं, तो जिससे आपका मुहांसे आना और आपके काले बाल होना, इन सब चीज़ों का वो अच्छे से इलाज करेंगे। अगर अपन हार्मोन नॉर्मल रखेंगे, अपने व्यायाम और आपके हार्मोन के डॉक्टर की सलाह पूरी मानेंगे और पूरी तरह से इस तरह से व्यायाम करेंगे और फिर सही डॉक्टर को दिखाएंगे, तो कोई परेशानी नहीं है। प्रायः लोग परेशानी को लेकर ही, आने वाली चीज़ों को सोच कर ही घबरा जाते हैं। अगर किसी को शादी से पहले पीसीओडी हुआ है तो क्या शादी के बाद प्रेगनेंसी में बाधा है? बिल्कुल भी नहीं। आप लेश मात्र भी परेशान मत होइए, आप केवल कर्तव्यों पर ध्यान दीजिए, भविष्य में क्या होता है उसकी चिंता मत करिए, अच्छे विशेषज्ञ को दिखाएं, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो दर्शकों, ये सब चीज़ें जो हमने आज बात करी हैं ये बिल्कुल ज्वलंत विषय हैं। इन विषयों पे आपकी कोई और क्वेरीज हो, आपके कोई और प्रश्न हो, तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। आपने इस मुझे समय दिया और मेरी बातें सुनी, इसके लिए धन्यवाद।